नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिष और वास्तु शास्त्री। यहाँ पे आज हम बात करेंगे सीढ़ी के संबंध में कि सीढ़ी कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, किस स्थान पे होने पे क्या दोष होता है। अंत में हम आपको एक उपचार भी बताएंगे अगर आपकी सीढ़ी सही स्थान पे नहीं है। तो सबसे पहले जान लेना चाहिए कि सीढ़ी कहां पे नहीं होना चाहिए। वास्तु के बारे में हमने पहले भी कहा था कि वास्तु पुरुष पेट के बल लेटे हुए हैं, उनके कुछ नाजुक स्थान है, मर्म स्थान जिसको शास्त्रों में कहा जाता है, जैसे सर का हिस्सा। सर के हिस्से पे कोई भी वजनी सामान ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। और सीढ़ी एक ऐसी चीज है कि जो लगातार एक ही स्थान पर बनी रहती है कई वर्षों तक, जब तक मकान है तब तक। इससे उस स्थान पर एक बोझ बनता है और कई वर्षों तक इसका दुष्परिणाम आता है। अगर वो गलत जगह है, जैसे ईशान कोण पूर्व उत्तर, तो आने वाले समय में उस घर में सर से संबंधित लोगों को अवश्य दिक्कत होगी, चाहे सर दर्द, चाहे माइग्रेन, और ज्यादा खतरनाक और भी दोष अगर आपके वास्तु में है तो ब्रेन हेमरेज या पैरालाइज जैसी भी कंडीशंस आ सकती है। ये बड़ा हार्ड है, ये बड़े लंबे प्रोसेस से आता है, इतनी जल्दी नहीं आता, घबराने की बात नहीं है। अगर ब्रह्म स्थान पे है तो पेट संबंधी समस्याएं, गर्भ खराब होने की समस्या, वो तमाम दिक्कतें आती हैं जो वास्तु पुरुष के ब्रह्म स्थान अर्थात वास्तु पुरुष के पेट से हिस्से में सीढ़ी होगी। क्योंकि सीढ़ी एक वजनी चीज है, सीढ़ी हमेशा ऐसी जगह पर रखा जाए कि जिससे वास्तु पुरुष के शरीर में कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई स्थान बताया गया है तो पश्चिम, दूसरे नंबर पे दक्षिण। इसके अलावा जहां पे भी सीढ़ी रहती है वो उतना फलदायी नहीं होती। हाँ, नुकसान में सबसे महत्वपूर्ण जान लीजिए कि उत्तर की दिशा की सीढ़ी नुकसानदेह है, लेकिन उतना नहीं है जितना मर्म स्थान पर सीढ़ी होगी। मर्म स्थान अर्थात पूर्व उत्तर, मकान का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से थोड़ा दक्षिण और पश्चिम की तरफ अगर बीच में हिस्से में सीढ़ी आती, ये सब स्थान मर्म स्थान है, यहां पर बिल्कुल ही सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। पश्चिम और दक्षिण की दिशा में भी सीढ़ी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि नैऋत्य कोण पर बेडरूम सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर वहां पर आपने सीढ़ी बना दी, शास्त्रों में मतभेद है, कुछ लोग वहां सीढ़ी अच्छा मानते हैं, कुछ नहीं, लेकिन मेरा अपना विचार है कि नैऋत्य कोण पर कोशिश करें आप सीढ़ी ना रखकर बेडरूम रखें, क्योंकि वास्तु पुरुष का पैर होता है वहां, पैर पे सोना श्रेष्ठकर है, सीढ़ी उपयोगी नहीं। हाँ, अब सीढ़ी से संबंधित कुछ और बातें हम आपको बता देते हैं। पहली बात, सीढ़ी के पायदानों की संख्या हमेशा विषम रखिए। सीढ़ी जब आप चढ़ना शुरू करें, आपका मुख दक्षिण या पश्चिम हो, पूरब उत्तर श्रेष्ठ नहीं होता। सीढ़ी के नीचे कभी भी भूल कर आप मंदिर नहीं रखेंगे, पूजा कक्ष नहीं रखेंगे, किचन बिल्कुल नहीं, बच्चों के पढ़ने का स्थान सोचिएगा मत, शयन कक्ष बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीढ़ी के नीचे ये सब चीजें शास्त्र के अनुसार अनुचित है, इनको कतई न बनाया जाए। अगर आपने अपने घर में सीढ़ी गलत जगह बना लिया है तो हम आपको कुछ उपचार अब बताते हैं। कोशिश करिए तो आप अगर ठीक कर सकते हैं तो कर लें, नया मकान बनवा रहे हैं तो बिल्कुल ना बनवाएं, लेकिन आपके घर में काफी दिनों से अगर सीढ़ी वहां पे है और आप उसको परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो सीढ़ी के पहले पायदान के नीचे आप तांबे का एक कछुआ जरूर लगाएं। इस विषय पे भी एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा
कि किए हुए एक टोटके लाभ क्यों नहीं करते, क्योंकि सारी ये क्रियाएं आदमी अपने मन से ही किसी समय पे कर देता है, जबकि किसी भी चीज को करने का एक शुभ समय या जिसको मुहूर्त कहते हैं उस समय करना चाहिए। अगर शुभ मुहूर्त में आप टोटके या कोई उपचार करते हैं विशेष लाभकारी होगा। वास्तु से संबंधित या कुंडली से संबंधित आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर फोन कर सकते हैं। सीढ़ी के विषय में और भी कोई चर्चा आप करना चाहते हैं या आप अतिरिक्त और भी वास्तु से संबंधित कोई चर्चा करना चाहते हैं तो आप दिए हुए फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या छोड़ सकते हैं। समय अनुसार मैं आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।